हेलो फ्रेंड्स, आईआईटी गुवाहाटी की 2024 की प्लेसमेंट्स बताऊंगा। जितने भी कोर्सेज हैं आईआईटी गुवाहाटी में, इन डिटेल प्लेसमेंट रिपोर्ट है ये। चाहे बीटेक की ब्रांच वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा, या फिर एमटेक हो गया, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन, या फिर एमबीए, एमएससी, एमए, एमटेक, जो भी है, एमएस रिसर्च, सारी चीज़ें, इवन पीएचडी, सबकी इन डिटेल ब्रांच वाइज प्लेसमेंट है। कितने स्टूडेंट्स हैं, इंटर्नशिप भी है, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स, कितने ऑफर्स हैं, एवरेज पैकेज, मीडियम पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, सारी चीजें हैं। जैसा कि हर साल प्लेसमेंट रिपोर्ट ये करते हैं इन डिटेल, बहुत अच्छी चीज है ये। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हुई हैं, और ये देख सकते हैं ऑफिशियल डेटा है, ऑफिशियल पीडीएफ है। और इस बार आपको सुनने में भी आ रहा है कि प्लेसमेंट्स डाउन हुई है, उसकी भी रियलिटी मैंने बता दी थी पिछले कुछ वीडियोस में, इसमें भी बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको खुद दिखाऊंगा। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज देख सकते हो 466 है, प्री प्लेसमेंट्स ऑफर 229 है, और एक्सेप्ट सारे नहीं हुए हैं, वैसे आगे देखेंगे। हाईएस्ट सैलरी की बात करें 2.05 करोड़ का है, ये लास्ट पिछले कुछ एक दो साल पहले भी आया था। तो कहाँ पर कमी है यार, आईआईटी गुवाहाटी वैसे भी टॉप 7-8 आईआईटीज में आता है, प्लेसमेंट वाइज तो टॉप 5 में आप इसको रखो। और यहाँ पर 50 लाख से ऊपर के देख सकते हो 102 स्टूडेंट्स है जिनको 50 लाख से ऊपर का प्लेसमेंट हुआ था। यहाँ पर बात करें टॉप रिक्रूटिंग सेक्टर्स का, तो कोर एंड टेक है, क्योंकि ऑब्वियसली आईआईटी है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो कोर टेक से ज्यादा आते हैं। और पीएसयू की बात करें, ऑन बोर्ड 14 है। अब देखो इस ग्राफ से एक चीज क्लियर हो जाएगी, प्लेसमेंट कहीं भी डाउन नहीं हुई। आप खुद देखो बैच इंक्रीज हो गया, मतलब कुछ कोर्सेज ऐड हुए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। देखो लास्ट पिछले कुछ टाइम से इंक्रीज ही हो रहा है। यहाँ पर जो ब्लू वाला है, टोटल यहाँ पर ऑफर्स है 1124 है इस साल, लास्ट ईयर 1112 है, यानी पिछले साल से 12 ज्यादा है। तो कहाँ से खराब है यार, यहाँ पर सैलरी पैकेज भी देख के मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पर पिछले साल से 12 ऑफर्स ज्यादा है, बट यहाँ पर प्लेसमेंट रेट डाउन देखने के लिए इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो बैच साइज है उसके अकॉर्डिंग इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जैसे इस बार एमबीए भी है, बहुत सारी इस बार कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें प्लेसमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। वैसे एमबीए की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हुई है, वैसे कैट के थ्रू होता है, अगर चाहते हो तो सेपरेट वीडियो में ला दूंगा कैसे यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी से एमबीए करें, उस पर डी इन डिटेल। अब यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स हैं 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, जो ऑलरेडी मैं वीडियो कर रहा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 260 कंपनीज थी यहाँ पर अलग अलग सेक्टर से, और यहाँ पर 1584 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, जिनमें से 1124 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, जैसा कि अभी मैंने आपको ग्राफ में दिखाया। अब मेल फीमेल का यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, 1584 है, 1124 प्लेस्ड है। फीमेल स्टूडेंट्स ने 325 है जिन्होंने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन किया, और 220 प्लेस्ड हुए उनमें से। मेल की बात करें 1259 में 878, जो कि बहुत सही है। अगर यार कंपनीज ही अगर इतनी आ रही हैं, लास्ट ईयर भी इतनी थी, ऐसी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली अब क्या कर सकते हैं। ऑन कैंपस तो लिमिटेशन ही है ना हमारे पास, अगर सपोज 1000 स्टूडेंट्स हैं, 800 कंपनी आ रही है, तो अब 900 तो स्टूडेंट्स प्लेस नहीं होंगे, मतलब 800 ऑफर आ रहे हैं, तो वही सीन है। यहाँ पर ऑफ कैंपस भी बहुत अच्छा करते हैं स्टूडेंट्स आईआईटीज के, ऑब्वियसली। यहाँ पर प्री प्लेसमेंट्स ऑफर 227 है, बट एक्सेप्ट हुए हैं 189। मेल स्टूडेंट्स यहाँ पर 70% प्लेस्ड हैं, फीमेल 68%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेसमेंट रेट अच्छा है, 78% का है, बुरा भी नहीं है। वैसे आप 71% बोलोगे, 29 कहाँ पे है, तो यार आप खुद देखो इतना हुआ नहीं है, बैच साइज थोड़ा बढ़ गया है। इवन यहाँ पर प्री प्लेसमेंट्स ऑफर्स भी इस बार ज्यादा है, देखो पिछले, आप कंपेयर करो यार पिछले 5 साल का, यहाँ पर देख सकते हो 229 है, और वही चीज इन्होंने ग्राफिकली यहाँ पर दिखाया। तो यहाँ पर एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर सेक्टर्स की बात देख सकते हो, यहाँ पर आईटी सेक्टर है, और प्रोफाइल्स क्या क्या है, फाइनेंस है, नॉन टेक है, क्योंकि इसके अंदर सारे ही कोर्सेज है, बीटेक, एमबीए, एमटेक, सारे है, मास्टर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन, और बहुत अच्छा है यहाँ पर बैचलर ऑफ डिजाइन, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफिकली, यहाँ पर चार्ट के थ्रू। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम में कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, देख सकते हो प्लेस्ड स्टूडेंट डेटा है। एमबीए में 13, अब बोलोगे सिर्फ इतने, तो बैच ही 14 का है यार, बहुत अच्छा है यहाँ पर। वैसे अगर देखा जाए तो 13 स्टूडेंट्स ही ऐसा प्लेसमेंट एमबीए के प्लेसमेंट रिपोर्ट में 100% इन्होंने दिखाया है, बट ठीक है 14 में से 13 प्लेस्ड है। एमएस रिसर्च, मास्टर ऑफ डिजाइन, बैचलर्स ऑफ डिजाइन में 40 है, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। एमए यहाँ पर, पीएचडी, एमएससी, एमटेक एंड बीटेक, ऑब्वियसली बीटेक में बहुत बड़ा बैच होता है तो ज्यादा स्टूडेंट्स प्लेस्ड होंगे। तो ऐसा ये मत सोचो कि सिर्फ इतने, वो हम देखेंगे कितने में से। सो अभी मैंने आपको जो ऊपर बताया वही चीज इन्होंने ऐसे शो किया है, तो आप इसमें भी समझ सकते हो। सो यहाँ पर एक बार हम देखते हैं कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं ब्रांच वाइज, मतलब डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ पर ऑब्वियसली ब्रांच ही बोलेंगे क्योंकि यूजी की बात अभी कर रहे हैं। फिर उसके बाद सैलरी पैकेज भी बताऊंगा आपको, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, मीडियम। यहाँ पर देख सकते हो 40 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया बैचलर्स ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है यूजी।
यहाँ पर 22 प्लेस्ड है 55%, नॉट बैड। यहाँ पर बायोटेक की अगर हम बात करें 69%, यहाँ पर केमिकल 79, सीएसटी 83, सिविल 66, अच्छा है यार वैसे अगर देखा जाए तो, सीएससी 91%। यहाँ पर देखो 100% तो आपको आईआईटी बॉम्बे भी नहीं देगा, बट लास्ट ईयर से उसकी भी प्लेसमेंट इंक्रीज हुई है, अच्छी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ईसीई 85, ट्रिपल ई 84, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 87, बैच साइज भी अच्छा है, मैकेनिकल 80, इंजीनियरिंग फिजिक्स 40, तो नॉट बैड यार, बहुत अच्छा है। ओवरऑल देख सकते हो 78% है, और जो 71 ओवरऑल है उसमें से 78 तो बीटेक का ही है, यहाँ पर मतलब यूजी का है, बीटेक और बीडेस का। और सेम चीज इन्होंने ऐसे दिखाई हो तो आप यहाँ पर भी ऐसे समझ सकते हो। सो यहाँ पर आप हम बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, जिसके अंदर एमटेक, मास्टर ऑफ डिजाइन, एमबीए, एमए और एमएससी, एमएसआर आता है, मतलब एमएस रिसर्च। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग स्पेशलाइजेशन में, जैसे बायो इंजीनियरिंग, अब बायो साइंस में भी तीन है, बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक, और यहाँ पर देख सकते हो तो इनमें से कितने हैं वो देख लो, कितने रजिस्टर्ड हैं, कितने प्लेस्ड हैं, और लास्ट में प्लेसमेंट परसेंटेज है। तो यार देखो पीजी में कम ही होता है प्लेसमेंट परसेंटेज, आप खुद यहाँ पर अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो। और ये कोई ऐसा मत सोचो कि इस बार ऐसा है, अगर आप देखो तो लास्ट ईयर का भी मैंने प्लेसमेंट्स कर रखी हैं पिछले 3 साल की आईटी गुवाहाटी की, तो उसमें भी आप जाके खुद कंपेयर कर सकते हो, ऐसा होता ही है। अब सीएस की देखो, सीएससी एमटेक 93.33, ये तो ब्रांच ही बहुत अच्छी है, तो अब हम इसका अलग ही देखो। यहाँ पर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 94.12%, तो इनका बैच साइज भी छोटा होता है वैसे। सो ये सारा डेटा आप देख सकते हो। टोटल एमटेक की बात करें 313,491, 63.75% है यहाँ पर एमटेक का। नाउ यहाँ पर मास्टर्स ऑफ डिजाइन और एमएससी की बात करें तो डिजाइन वैसे ही बहुत अच्छा है, डिजाइन यहाँ पर देख सकते हो 30, वैसे प्लेसमेंट रेट थोड़ी कम है, बट यहाँ पर सैलरी पैकेज काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर आप अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो एमएससी में भी, मतलब आपको पीजी में ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। अब उसके बाद एमबीए की बात करते हैं, जो कि फर्स्ट बैच इसी साल का है, इस चीज का ध्यान देना है, 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 2024 में फर्स्ट बैच आया, बहुत अच्छा है, इंटर्नशिप भी अच्छी हुई थी। यहाँ पर देख सकते हो 14 में 13 प्लेस्ड है, 92.86। इन डिटेल चाहते हो क्या फीस है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या इंटरव्यू वेट है, सारी चीजें इन डिटेल मैंने कर रखा है वैसे इस पे रिसर्च, आप चाहते हो तो वीडियो में अलग से कर दूंगा। नाउ यहाँ पर एमए एंड एमएसआर देखते हैं, तो ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में देखो 50% है, नॉट बैड, यहाँ पर आप अच्छे से इनको भी अच्छे स्टॉप करके देख सकते हो। और अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज इन्होंने ऐसे शो किया है, मैं आपको जल्दी से सैलरी रेंजेस दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर सैलरी है, पर बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, मैं आगे आपको ब्रांच वाइज ही बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ इन्होंने इतना कुछ दिया हुआ है अपने डेटा में पीडीएफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैचलर्स ऑफ डिजाइन का जो है नंबर 22 स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली मैक्सिमम 95 लाख का है, मिनिमम 8.16, मीडियम 30.75, एवरेज 36.17, बहुत अच्छा है, वैसे वैसा ही छोटा है बट बहुत अच्छी सैलरी रेंजेस है। बीटेक 205 LPA, यानी कि 2.05 करोड़। यहाँ पर मिनिमम पैकेज की बात करें 5 लाख, मीडियम 19.48, जिनमें सभी ब्रांचेस इंक्लूडेड है, सीएस से लेके सिविल तक, एवरेज यहाँ 25.75 का है। ब्रांच वाइज तो और अच्छा देखने के लिए मिलेगा अगर सीएस की बात, जैसे ब्रांचेस की बात करें तो। मास्टर्स ऑफ डिजाइन में यहाँ पर देख सकते हो क्या सैलरी है, एमटेक में देख सकते हो यहाँ पर, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ एमए एमबीए की देखो 10 लाख का मीडियम था, 10.08 का एवरेज था, नॉट बैड, तो अच्छा है ये वैसे फर्स्ट बैच के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो नाउ यहाँ पर अब हम आ चुके हैं ब्रांच वाइज, सबसे पहले हम ग्रेजुएशन यूजी की बात कर लेते हैं। तो डिजाइन में देख सकते हो आप सब, ऑब्वियसली बैचलर्स ऑफ डिजाइन में अभी बताया मैंने, वही सेम रहेगा। बायोटेक का एवरेज 16.34 का है, मिनिमम मैक्सिमम आप देख सकते हो 51 का है, केमिकल 75.97, एवरेज 22। हम ज्यादा फोकस करेंगे मीडियम और एवरेज पर, वो भी आप देख सकते हो, मैं लेकिन एक एक चीज बताऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, आप देखते रहो और यहाँ पर देखते भी रहो। सीएसटी का देख सकते हो 15, सिविल का 18.87, एवरेज पैकेज थोड़ा ज्यादा ही देखने के लिए मिलता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम मीडियम से। सीएस की बात कर लेते हैं, 39.91 का एवरेज पैकेज है, 34.5, तो किस एंगल से बेकार प्लेसमेंट्स हुई है, बेस्ट साइज इतना बड़ा है, इसी की देख सकते हो 27.3। यहाँ पर आप देखो ट्रिपल ई 25, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की देख लो एक बार, बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं ये। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये पीजी की है, एमटेक एंड मास्टर्स ऑफ डिजाइन, यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या एवरेज पैकेज है, कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम और मीडियम एवरेज यही चीज इन्होंने दिखाई है। अब यहाँ पर इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है वैसे अगर देखा जाए तो। सीएससी का यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 7.65 का ही एवरेज है, बट स्टूडेंट्स ज्यादा प्लेस्ड हैं, इस चीज का ध्यान देना है। बट यहाँ देख सकते हो अगर ट्रिपल ई जैसे ब्रांचेस की बात करें तो इसका अच्छा है, इसका अच्छा है, वीएलएसआई का तो अच्छा रहता ही है वैसे। सेम थिंग यहाँ पर आप देख सकते हो थर्मल इंजीनियरिंग का भी है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बैच साइज छोटा हो, मान लो सपोज एक दो स्टूडेंट्स ही प्लेस्ड हुए हैं तो ऑटोमेटिकली सैलरी रेंजेस बहुत अच्छी हो जाती है। सो यहाँ ऊपर डिजाइन में भी देख सकते हो 25 का एवरेज है,
अब यहाँ पर एमएस की भी यहाँ पर काफी अच्छी प्लेसमेंट्स हुई हैं। अब यहाँ एमएससी की देख सकते हो ऊपर वाले बॉक्स में, अच्छा है यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है तो 12.93 हो गया, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स से थोड़ा कम रह गया। ह्यूमैनिटीज की बात करें 6.15 का है, नॉट बैड। यहाँ अगर हम बात करें एमबीए की, तो जो अभी मैंने आपको सैलरी पैकेज बताया, और पीएचडी का यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से स्टॉप करके। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना प्लेसमेंट्स कैसी लगी। अब मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, आप न्यूज में सुन रहे हो कि 4 लाख का आईआईटी बॉम्बे में लगा, यार 4 लाख का आईआईटी बॉम्बे में लग रहा है तो पॉजिटिव चीजें भी तो देखो, और यहाँ पर लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। इस बार 4 लाख का अगर चला गया कुछ स्टूडेंट्स को, तो वो तो यार इवन जरूरी नहीं है कि वो बीटेक का ही गया हो, अगर आप जेईई एडवांस वाले स्टूडेंट हो, किसी भी शायद कोई भी कोर्स हो सकता है यहाँ पर जिसमें कॉम्पिटिशन कम हो, जैसे कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। उन्होंने इन डिटेल बताया भी नहीं कौन सा कोर्स है, कौन सा ब्रांच है। सेम यहाँ पर आप देख रहे हो तो अच्छे पैकेजेस भी देखो, करोड़ के पैकेज कितने जा रहे हैं, कितना एवरेज पैकेज, मीडियम पैकेज इंक्रीज कर रहा है, प्लेसमेंट स्टूडेंट्स ज्यादा प्लेस हो रहे हैं, वो चीज आप देख नहीं रहे, लेकिन एक चीज आपको टॉपिक मिल गया तो आप उसको न्यूज में दिखा रहे हो ताकि आपके व्यूज आए। ऐसा मतलब होता है, ये भी एक रीजन हो सकता है, वैसे बहुत सारे रीजन है। सो यहाँ पर प्लेसमेंट थोड़ी बहुत डाउन भी हुई है इस साल, जो मैंने आपको दिखाया मोस्ट ऑफ द कॉलेज की डाउन हुई है, बट कुछ ऐसे अच्छे कॉलेज है बहुत ज्यादा जिनकी प्लेसमेंट पे इतना इफेक्ट नहीं हुआ, जैसे आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, इनकी प्लेसमेंट्स अच्छी हुई है कंपैरिजन लास्ट ईयर से करें तो, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज की प्लेसमेंट्स थोड़ी डाउन हुई है, और अगले साल पता चल ही जाएगा, अगले साल जो रिपोर्ट आएगी प्लेसमेंट और थोड़ी डाउन देखने के लिए मिलेगी एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग। सो यहाँ वीडियो कंप्लीट हो जाती है, वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं डेली लेके आता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। और सिर्फ इसकी प्लेसमेंट ही नहीं, मैंने लगभग सभी इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेसमेंट्स कर रखी है पिछले 3-4 साल की, और प्लेसमेंट्स ही नहीं, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ, रिव्यू, एडमिशन प्रोसेस, सब कुछ। सो जाकर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट बना दी है। बाकी मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।